फार्म ट्रैक 60 4x4 4WD पावर मैक्स सीरीज, बड़ा टायर साइज, पिछला भी बड़ा टायर साइज, सस्पेंडेड पेडल के साथ, 3514 सीसी के बड़े विशालकाय इंजन के साथ, 2500 की लिफ्ट कैपेसिटी के साथ, डबल डिस्ट्रीब्यूटरी वाल के साथ, ब्रेक पेडल भी सस्पेंडेड 8+2 बोस के इनलाइन पंप के साथ। बेस है फार्म ट्रैक 60 की नई विशालकाय पावर मैक्स सीरीज के ट्रैक्टरों की रेंज। देखिए पूरी वीडियो, आगे बने रहिए। धन्यवाद। जय जवान जय किसान साथियों, आज आपके लिए लेके आए हैं फार्म ट्रैक का 60 जो है 4WD फोर व्हील ड्राइव ट्रैक्टर लेके आए हैं। चारों टायर जो है इस ट्रैक्टर के ताकत लगाएंगे, जिससे ये ट्रैक्टर जो है और ज़्यादा ताकतवर बन जाएगा। ये है फार्म ट्रैक का 60 पावर मैक्स सीरीज का ट्रैक्टर है। ये देखो पावर मैक्स सीरीज का आज इसका रिव्यू करेंगे। हर चीज़ जो इस ट्रैक्टर के बारे में बताएंगे, कितने सीसी का है, सारी चीज़ें जो है बिल्कुल खोल के बताएंगे। इस ट्रैक्टर की बात करते हैं सामने से। सामने जो है ये कंपनी ने 5 वेट दे रखे हैं इसमें। ये देखो एक जो है हैवी वाला और जो है 2 पतले वाले, और जो है 80 kg का सामने जो है 80 kg का चूल्हे के साथ जो ये ट्रैक्टर जो है आता है। सामने जो है बिल्कुल फ्रंट में पावर ट्रैक, ये फार्म ट्रैक की जो है बैजिंग, ये लिखा हुआ फार्म ट्रैक और जो है पावर मैक्स सीरीज, और जो है नीचे जो क्रोम की फिनिशिंग के साथ जो है 60 बिल्कुल जो है शोरूम पीस ट्रैक्टर है, बिल्कुल कच्चा ट्रैक्टर जिसको बोलते हैं। नॉन एडजस्टेबल एक्सल, ये देखो अंदर जो है क्रॉस दिए गए हैं, और जो है काफ़ी हैवी हिस्सा के साथ जो है ट्रैक्टर। ये देखो ये 4x4 यहाँ पे जो है लिखा हुआ। सामने के टायरों की बात करें तो MRF कंपनी के 9524 के फ्रंट टायर के साथ जो है ये ट्रैक्टर कंपनी ने बना रखे हैं। इसके अंदर जो है अग्रारी सिस्टम आता है, जिससे जो है ये इसमें कोई भी जो है मेंटेनेंस वगैरह कुछ भी नहीं होती। सिंगल पीस मेटेलिक बोनट मेटेलिक पेंट के साथ क्लासिक प्रो सीरीज का जो है ये ट्रैक्टर है। सिंगल पीस मेटेलिक बोनट जो है इस ट्रैक्टर के अंदर जो है आता है। डबल हाइड्रोलिक जैक इसके अंदर लगा हुआ है, ये देखो दोनों तरफ जो हाइड्रोलिक जैक, जिससे जो है किसान आसानी से ट्रैक्टर की साफ सफाई कर सकता है, नीचे नहीं गिरेगा। और जो है लॉक देख लो आप, बहुत ही हैवी लॉक जो है, और मेटल के अंदर जो है ये इसका जो है पूरा जो है ये बोनट दिया गया है। सामने जो है फ्लीट गार्ड का, इसमें एयर क्लीनर ड्राई टाइप एयर क्लीनर के साथ ये ट्रैक्टर है, और इस जाली को निकाल के जो है किसान आसानी से इसको साफ कर सकते हैं। अंदर जो है मोटी जाली का रेडिएटर, जिससे जो है ट्रैक्टर जो है लंबे समय तक जो है चलेगा, जिससे गर्माएगा नहीं। और जो है इसकी जो चौड़ाई है वो भी जो है नए रेडिएटर की जो चौड़ाई है वो जो है अभी जो है चौड़ी आने लगी, जिससे जो है इसका साइज जो है रेडिएटर का चौड़ा होगा, जिससे जो है जल्दी पानी जो है ठंडा होगा और कैपेसिटी भी जो ज़्यादा होगी। ये देखो यहाँ पे जो है LED लाइटें और जो है क्रोम की फिनिशिंग के साथ, साथ में LED और अंदर जो है बड़े जो है हैलोजन लैंप के साथ जो है ये कंपनी ने लॉन्च कर रखा है। ये इंजन की बात करें तो 3514 cc के इंजन के साथ जो है 3 सिलेंडर। बात करते हैं इसके इंजन की टॉर्क की, 240 के जो है टॉर्क के साथ, और जो है ये स्टॉक जो है 131 के स्टॉक के साथ जो है ये ट्रैक्टर कंपनी ने जो है नया लॉन्च किया है। इसमें जो है बोर की साइज़ की बात करें तो जो है 106.7 का जो है इसके अंदर जो है ट्रैक्टर के अंदर जो है बोर दिया गया है। अब मैं इस तरफ से दिखा दूँ आपको, ये देखो ये गाड़ियों वाला कूलिंग सिस्टम इसमें दे रखा है, और ये यहाँ पे सेंसर दे रखा है, जिसका इंडिकेटर में जो पता लग जाएगा, चौक हो जाएगा एयर क्लीनर जब आपका, तो ये लाल यहाँ हो जाएगा। सामने जो है पावर स्टेयरिंग का टैंक, जिससे जो है पावर स्टेयरिंग आपका लंबी लाइफ तक जो है चलता रहे। और जो है बोस के इनलाइन पंप के साथ जो है ट्रैक्टर है, 3 सिलेंडर 3 नोजल इसके अंदर लगी हुई हैं। 500 घंटों वाला जो है फिल्टर इसके अंदर दे रखे हैं। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग के साथ इसका बैटरी बॉक्स, और ये जो वाटर सेपरेटर बहुत ही शानदार जो है ट्रैक्टर कंपनी ने लॉन्च कर रखे है। 3 सिलेंडर 3514 cc। पीछे जो है हीट गार्ड दे रखे हैं कंपनी ने, ये यहाँ पे हीट गार्ड दे रखे हैं, जिससे जो है इंजन की जो गर्म हवा है वो पीछे तक नहीं जाएगी, और जो है ट्रैक्टर लंबे समय तक चलेगा। ये लिफ्टों वाला फिल्टर यहाँ पे, और ये जो अलग अलग जो इसमें जो है पंप दे रखे हैं, किसी भी एक पंप पे मेंटेनेंस आ जाए तो एक पंप को चेंज करके जो हम इसको बदल सकते हैं। ये बैलेंस टाइप पावर स्टेयरिंग जो इसमें दे रखा है, और नीचे जो है ये सापट दे रखी है, जिससे पिछले हिस्से से जो है आगे वाले टायरों में जो है इसकी जान बोल लो एनर्जी बोल लो, तो वो इसके अंदर से जो होते हुए जो इस ट्रैक्टर के अंदर आती है। ये सापट ये नीचे जो है मेटल का लोहे का कवर दे रखा है। ये देखो सिंगल फुटस्टेप, और जो है रबड़ के फिनिशिंग के साथ जो है इसके पायदान दे रखे हैं। ये हीट गार्ड देख लो, और जो है सस्पेंडेड पेडल में जो है इस ट्रैक्टर में जो है पेडल आए हुए हैं, सस्पेंडेड पेडल। ये देखो
ऊपर बैठ के दिखाएंगे आपको। ये देखो, ये जो है फार्म ट्रैक 60, ये इसका क्लस्टर मीटर, ये डीजल का आरपीएम मीटर और टेम्परेचर का, बाकी अलग अलग सेंसर हैं। और ये 24x7 केयर बटन के साथ पावर स्टेयरिंग, ये इसमें जो है दे रखे है कौन सी स्पीड है ट्रैक्टर की, कितनी स्पीड है, ये देखो कौन सी स्पीड में चलेगा, कौन से गियर में चलेगा, सारी चीज़ें जो है यहाँ पे दे रखी हैं। ये इस ट्रैक्टर की हाथ वाली रेस, और ये जो है F2 सीरीज का जो है ये ट्रैक्टर है। इसमें जो है 4 फॉरवर्ड 1 रिवर्स, और जो है ये आइलो का ट्रैक्टर है, ये आइलो का ट्रैक्टर है, तो इसमें 8 फॉरवर्ड 2 रिवर्स गियर के साथ, और सस्पेंडेड पैडल ब्रेक पैडल सस्पेंडेड, ये देखो, और 55 HP का, पूरे 55 HP का, और जो है ये ड्राफ्ट लीवर पोजीशन लीवर, ये सारे चीज़ इसके अंदर दे रखी हैं। अब ट्रैक्टर को स्टार्ट करके दिखाता हूँ मैं आपको एक बार, ये देखो बहुत ही शानदार आवाज़ है ट्रैक्टर की, और किसान आसानी से इसको जो है, किसान आसानी से जो है एक उंगली की मदद से जो है 4x4 ट्रैक्टर को चला सकता है, क्योंकि पावर स्टेयरिंग है। ये देखो जैसे इसको चलाना है तो आगे, और मान लो ये गियर लगा दिया हमने, तो किसान आसानी से जो इसको चला सकता है। ये देखो, बहुत ही शानदार ट्रैक्टर, यहाँ से जो ट्रैक्टर को बंद कर सकते हैं, और न्यूट्रल करने के बाद, इस गियर को न्यूट्रल करने के बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। ये इसका जो एंड ब्रेक यहाँ पे दिया गया है, और एक ये जो है यहाँ पे ब्रेक दिया गया है। एडजस्टेबल सीट, 4-way एडजस्टेबल, आगे पीछे ऊपर नीचे, और जो है इंडिपेंडेंट PTO के लिए जो अलग से क्लच यहाँ पे दे रखी है। बहुत ही फिनिशिंग बहुत तगड़ी जो है ट्रैक्टर की दे रखी है। बात करें पिछले टायर की, MRF कंपनी के 16 28 के बैक टायर के साथ हैवी फेंडर 3-spoke फेंडर रेल, बहुत ही मजबूत, और पीछे जो है 48.9 HP की जो है PTO पावर को जो है ये ट्रैक्टर जनरेट करता है। दोनों साइड एडजस्टेबल आर्म, हैवी ट्यूब, और ये फेंडर देख लो, 3-pin जो है में जो है इसकी सेंसिंग पावर काम करती है, डबल डिस्ट्रीब्यूटरी वाल, और पीछे जो है टूल वगैरह सारी चीज़ें जो हैं कंपनी ने बहुत अच्छे से जो है इस ट्रैक्टर में दे रखी हैं। 5 साल की वारंटी के साथ जो ये ट्रैक्टर आता है। पीछे ब्रेक लाइट, इंडिकेटर लाइट, LED लाइटों के साथ जो ये ट्रैक्टर है, ये देखो बहुत ही शानदार ट्रैक्टर। अगर वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी किसान भाइयों बहुत